रहे, अपनी बहन के पास चाहते थे आपका आशीर्वाद मिले, लेकिन साहब हम कह रहे हैं ना आपसे, हमको अपना राशन कार्ड फिर से इशू करवाना है, आप एफिडेविट बनवा दीजिए ना। तुम्हारे पुराने राशन कार्ड का क्या हुआ? पुराना राशन कार्ड खो गया, हमारा पुराना राशन कार्ड खो गया। ठीक है, लेकिन अभी हमारे पास एक केस है, थोड़ा टाइम लगेगा। लीजिए ना आप टाइम, आपको जितना टाइम लगेगा लीजिए, यही है हम। एक्सक्यूज मी, कासी भैया झूठ काहे बोल रहे हैं? आपका राशन कार्ड तो पड़ा है ना अंदर दराज के अंदर, हम कल ही देखे। तुमको ज्यादा पता है कि हमको, हाँ पड़ा था दराज में, आज हो गया। ठीक है काशी भैया। काशी भैया राशन कार्ड तो आपका सामने से चल के आ रहा है। भी हमारे समझ में नहीं आ रहा था, आप जानते थे ना कि पूर्वी दीदी का शादी है बाबू से यहाँ पे, फिर भी आ गए यहाँ पर कहे? अरे खुद का नाखून है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुद के ही आप घाव करे दोगे। अरे काशी पत्री तुम? प्रणाम दीदी। हेलो, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो? अरे कुछ नहीं, बस बहाना लेने आए थे। बहाना मतलब राशन कार्ड लेने आए थे ये। अच्छा काशी, आई एम वेरी एक्साइटेड, आज हमारी फाइनली बाबू से शादी है। डॉली हमारी विटनेस बनी है, हमें ना लेकिन एक और विटनेस की जरूरत है जो हमारे तरफ से साइन कर सके। तुम कर सकते हो हमारे लिए प्लीज? हाँ थैंक यू काशी, थैंक यू सो मच। अरे यार डेढ़ बज गए हैं, बाबू आया ही नहीं अभी तक। डॉली ये काम कर, वो नोटिस बोर्ड में चेक कर क्या, 2 बजे का टाइम ही है ना शादी का? हाँ हम अभी आए। आता ही होगा। आप बार बार घड़ी क्यों देख रहे पंडित जी?
इसलिए कि आप जानते हैं कि बस कुछ ही देर में बाबू और पूर्वी की शादी होने वाली। कमाल है। अरे हम तुम्हारी तरह नहीं है कि सुई एक जगह अटक गई तो अटक गई ग्रामोफोन की तरह। अरे हम तो घड़ी इसलिए देख रहे हैं कि 2 बजने वाले हैं, हमारे आराम करने का टाइम हो रहा है और तुम अब तक हमसे ये मटर छिलवा रही हो। लो बताओ, हम आपसे मटर छिलवा रहे हैं, आप खुद ही आ गए। खैर कोई बात नहीं, चाहिए आराम कर लीजिए, आपका आराम का समय है। अरे ओहो, एक तो तुम्हारा हाथ बटा रहे हैं कि बेचारी सुबह से बैठी मटर छील रही है, और नेकी करो और बुराई मोल लो। अपने साथ आप नेकी करके जाके आराम करिए, चाहिए। अरे ये तो पूर्वी का सूटकेस है। हाँ, हमने सोचा कि आज पूर्वी दीदी जा रही है तो सब सामान उनका इसमें रख देते हैं। हाय पंडिताइन, ये लड़की कितना फैला के रखती है सब कुछ। लेकिन तुम्हें उसकी चीजों को छूने की जरूरत क्या थी? उसने तुम्हें कहा था कि हमारा सामान सब पैक कर दो, नहीं ना तो फिर उसकी चीजों को छुआ क्यों तुमने? चलो लेके जाओ और जो चीज जैसी थी वही की वही रख दो। जैसे पंडित जी कह रहे वैसे करना बेबी। रहने दो, तुम तो हो गया तुमसे, हम खुद ही कर लेते हैं। तुमसे कुछ भी कहना मतलब भैंस के आगे बीन बजाना। छोड़। क्यों करती है सब? तुझे किसी ने कहा था करने के लिए? फिर कहाँ हो तुम बाबू? टेंशन मत लो यार मेरी जान, हम टाइम पे आ जाएंगे। टाइम तो देखो बाबू, ऑलरेडी 2 बज रहे हैं। अरे यार कह रहे हैं ना टेंशन मत लो। बाबू बीना जब देखो हर जगह लेट पहुंचता है तब से कह रहा है पहुंच जाएगा। कहाँ है फिर, ना लेट क्यों हो रहा है? पूर्वी दीदी, हम बरमाला ले आए हैं। अरे बाबू कहाँ है? रास्ते में होगा काशी, हमें लगता है शायद ट्रैफिक में फंस गया है, आने वाला होगा। सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर 11210। हमारा नंबर है। चलिए आप लोग अंदर आइए। अभी तक दूल्हा पहुंचा नहीं है तो हम थोड़ा और रुक सकते हैं क्या? ठीक है कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन नंबर 11211। उसने बोला था वो आएगा तो आएगा ना, इंतजार करते हैं। मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर 11215। आइए आप लोग अंदर आइए। अरे चाय। थैंक यू। मैसेज डिलीवर नहीं हो रहा है यार। अभी 5 बज गए हैं, बाकी के मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर कल आएंगे, आप सब लोग कल आइएगा। टॉली कहाँ है वो? कब आएगा यार? हम फोन करते हैं।
रिंग जा रही है पर फोन नहीं उठा रहा। नहीं यार उठा नहीं रहा, रिंग जा रही है बस। बाबू फोन भी बंद हो गया, शादी कैसे होगी? तुम कहाँ थे बाबू? अब हमारी शादी भी नहीं हो सकती, आज तुम टाइम पे क्यों नहीं आए? पहुंच तो गए, 5 बज गए, कोर्ट बंद, अब तो शादी होने से रही। क्या लगा तुम्हें हाँ? तुमसे शादी करने वाले थे हम? बहुत बड़ी पगलेट हो तुम, पता है तुम्हें? अरे तुमसे ज्यादा समझदार तो तुम्हारी ये डोली पोली है। अफसोस की बात तो ये है, समझ नहीं पाई यार तुम अपने बाबू को। क्या था जो कल रात हुआ? पतला थप्पड़ याद है तुम्हें? थप्पड़ की आवाज ना अभी भी हमारे कानों में गूंज रही है, इसीलिए उतना करारा थप्पड़ आज हमने तुम्हारे मुंह पे मारा है। मजा आया है? बता, एक कमीने किस्म के इंसान निकले तुम तो बाबू। लगता है भूल रही हो तुम कौन है हमारे पप्पा। पॉलिटिकल आदमी है तो ऐसे टुटपुंजियों से डराने की ना हमें कोशिश मत करना। शांति हो यार, ऐसे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते हम। अरे नहीं देख, अरे तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते यार, हम कितनी बार बोले हैं तुम्हें ये रंगबाजी ये बकैती नहीं देख सकते हम। और एक और बात तुमसे आखिरी बार कहना चाहते हैं, I love। छोड़ो हमें बदले। बाबू खबरदार अगर इसे हाथ लगाया तो। अरे काशी भैया तुम्हारे से हमारी कोई दुश्मनी नहीं है समझे, पर काहे इस लड़की के पीछे लड़ रहे हो? और रही बात इसे हाथ लगाने की, वो तो हम बहुत लगा चुके हैं।
पंडित जी। कुसुम पूर्वी शादी के बाद बाबू को लेकर यहां आएगी ना हमारा आशीर्वाद लेने, या सीधी वहीं से चली जाएगी? ऐसे सीधे कैसे निकल जाएगी, अपने अंकल जी से मिलने जरूर आएगी आपकी पूर्वी। हम उसे कितना कुछ बताना चाह रहे थे, हम उसे कहना चाह रहे थे कि हमें तो बस उसकी खुशी चाहिए थी, और इसीलिए हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। हम डर रहे थे कि पता नहीं वो लड़का कैसा निकलेगा, उसे खुश भी रखेगा या नहीं, कहीं उसे धोखा तो नहीं देगा। कुछ हमें और कुछ नहीं चाहिए, वरना सोचो उसके और बाबू के शादी करने पर हमें क्या एतराज हो सकता है। पिछली बार जब दीपा और मयंक शादी करके हमारे पास आए थे आशीर्वाद लेने, हमने उन्हें आशीर्वाद नहीं दिया था। इस बार ऐसा नहीं करेंगे कुसुम, हम बाकायदा उनको आशीर्वाद देंगे, बल्कि तुम भी उन दोनों की आरती उतारना। बाबू को भी तो लगना चाहिए कि वो अकेली नहीं है, कोई है, हम हैं उसके साथ। वो उसके साथ कुछ उल्टा सीधा करने से पहले 10 बार सोचे, और भी कितना कुछ कहना चाहते हैं हम उससे, पर कह दीजिए पंडित जी, सब कह दीजिए, जो आपके मन में है ना, कुछ मत रोकिए, सब कह दीजिए। आ गए हैं, हम जाते हैं। आरती, आरती की थाली, आप आइए जी। कुसुम, हर काम में हड़बड़ी। अरे कितना टाइम लगा रही हो? आ रहे हैं वो दोनों, बाहर खड़े होंगे। आ रहे पंडित जी, आ रहे हैं। अरे आरती की थाली सजा रहे थे, समय तो लगता है ना। आ गए, आप चल के दरवाजा तो खोलिए। दहलीज मत पार कर, पहले मैं आरती ले लूं। पूर्वी, बाबू कहाँ है? आंटी जी, बाबू ने ना शादी के लिए मना कर दिया। बाबू बहुत ही कमीना आदमी निकला मास्टर जी। आप जीत गए अंकल जी, हमारा प्यार हार गया। आपने कहा था ना बाबू हमें धोखा देगा। हम जानते हैं कि तुम्हारा बाबू एक दिन तुम्हें धोखा देगा, देख लेना। तो दे दिया उसने धोखा अंकल जी, दे दिया उसने धोखा।